जी हाँ, 13वें अध्याय की तीसरी एक्सरसाइज पर पहुंचने से पहले कुछ इसकी अवधारणा है उसको समझ लेते हैं, और यदि ये अवधारणा आपने समझ ली तो आप अपने आप ही सारे क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। सिर्फ एक ही अवधारणा है, एक ठोस का आकार दूसरे ठोस के आकार में रूपांतरण। यानी कोई ठोस है, यदि मान लीजिए वह है गोले के आकार का है, और उस गोले के आकार के ठोस को हमने पिघला कर एक वेलन बना दिया, या एक घनाभ बना दिया, या एक शंकु बना दिया, या एक इसको हमने बड़े अर्धगोले में तब्दील कर दिया, तो सारी स्थितियों में इसका जो वॉल्यूम हमने निकाला था वह वॉल्यूम कभी बदलेगा नहीं, क्योंकि इसी को पिघलाकर तोड़कर हमने एक दूसरी शेप बनाई है। तो जब भी हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो इस मूल जो ढांचा होगा या जो मूल ठोस होगा उस ठोस के वॉल्यूम को हमेशा हमने, चाहे इसमें बदला हो, इसमें बदला हो, इसमें बदला हो, किसी में बदला हो, उसमें हमने रखना है। तो आइए जो उदाहरण है उससे समझते हैं, बिल्कुल आसान है सारे के सारे, सिर्फ यही ध्यान रखना है कि वॉल्यूम हमने बराबर रखना है। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। मान लीजिएगा ये एक शंकु है और इसकी जो ऊंचाई है वो इन्होंने दे रखी है 24 सेंटीमीटर, और इसकी जो त्रिज्या है वो दे रखी है आर 6 सेंटीमीटर। क्या हुआ, एक बच्चे ने इस एक गोले के आकार में बदल दिया, यानी उसने क्या किया, इसको गोला बना दिया, इसी को पिघलाकर या तोड़कर एक गोले की शेप दे दी। तो हमने क्या करना है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसको हम R1 मान लेते हैं और इसको R2 मान लेते हैं, तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बदलेगा नहीं। तो हल देखते हैं, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, R1 स्क्वेयर ले लेंगे। माना गोले की जो निकालनी है त्रिज्या वो हमने मान ली R2 है, तो V1 बराबर V2 अर्थात शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो शंकु का आयतन है 1/3 पाई R1 की वैल्यू हम रख देते हैं 6 × 6, और H की वैल्यू है 24 बराबर V2, तो इसका आयतन होता है गोले का 4/3 पाई R2 क्यूब हो जाएगा। तो देखो π/3 से π/3 कट गया, और इस 4 से ये 24 है, वो भी 6 बार कट गया, 4 × 6 = 24, तो 6 × 6 बराबर R³। तो क्या है, घन लेना है इसका, तो इसका यदि हम R2 निकालेंगे तो क्या होगा, इसका घनमूल, और घनमूल 6 × 6 × 6 का घनमूल एक जोड़ा बन गया पूरा, तो R2 बराबर 6, यानी जो गोला बनेगा उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी, R2 बराबर 6 सेंटीमीटर, ये हमारा उत्तर होगा। 9वां उदाहरण है, सेल्वी के घर की एक छत पर बेलन के आकार की एक टंकी रखी हुई है, यानी उसकी छत पर एक बेलन के आकार की टंकी है, इस प्रकार से कोई एक टंकी वहां पर रखी हुई है, और इस टंकी को भूमिगत टंकी में भरे पानी के द्वारा पंप द्वारा भरा जाता है। नीचे जो टंकी है वो क्या है, घनाभ के आकार की है। मान लीजिएगा हमने एक ये घनाभाकार टंकी बना ली, तो इनकी जो विमाएं हैं वो दे रखी हैं। हल देखते हैं, घनाभाकार टंकी की विमाएं यानी डायमेंशंस हैं वो कितनी हैं, 1.57 × 1.44 × 0.95 लिखेंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में और सारे मीटर में है, और बेलनाकार टंकी की त्रिज्या R बराबर भी दे रखी है,
60 सेंटीमीटर है तो इसको हम 0.60 मीटर लिख देंगे, और ऊंचाई 95 सेंटीमीटर, उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 95 यानी 0.95 मीटर। यदि भूमिगत टंकी से पानी पूरी भरी हुई है ये, तो इससे छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में जो पानी रह जाएगा तो कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा वो निकालना है, और इन दोनों को तुलना भी करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं छत से निकले, छत की टंकी को भरने में भूमिगत टंकी से निकले पानी का आयतन, तो वो क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो भूमिगत टंकी से निकले पानी का आयतन, पहले हम निकलेगा फिर शेष का निकालेंगे, तो निकले पानी का आयतन क्या हुआ, बेलनाकार टंकी का आयतन, बेलनाकार टंकी का आयतन इसके बराबर ही निकलेगा क्योंकि इसी में भरा जाना है। तो बेलनाकार टंकी यानी पाई आर स्क्वेयर एच, पाई का मान यहाँ दे रखा है 3.14, तो 314/100 लिख देंगे। आर की वैल्यू दे रखी है 0.60, तो हम इसको 6/10 लिख देंगे, इंटू 6/10 और इंटू 95/ यानी 95/100, ये हो जाएगा घन मीटर। तो ये तो पानी निकल गया, अब शेष पानी भूमिगत टंकी में शेष पानी का आयतन यानी कुल पानी का आयतन बटे में माइनस में जो निकल गया है पानी, तो कुल क्या होगा, एल बी एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, यानी यही वैल्यू रख देंगे। तो एल यानी 157/100 गुणा में 144/100 गुणा में 95/ माइनस 314/100 गुणा में 36/100 गुणा में 95/100। तो यहाँ पर क्या है, 1/100 गुणा में 100 गुणा में 100, ये कॉमन है सभी में, और 95 भी है, 95 भी कॉमन है, और 157 है, इसको भी कॉमन ले लेते क्योंकि ये से कट जाएगा, तो गुणा में 157, क्योंकि कॉमन लेने के बाद हमारी गणनाएं सरल हो जाती हैं। और 12 भी कॉमन है क्योंकि 12 से ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, तो यहाँ पर हम 12 को भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर देखो 95 आ गया, 157 भी आ गया, और 12 का इसमें भाग देंगे तो 12 / 12 = 144, यानी यहाँ पर बच जाएगा 12 माइनस। अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखो 95 आ गया और 12 आ चुका है, 12 में से 12 = 36 गुणा में, अब 157 से इसको काटते हैं तो ये दो बार कटता है, तो ये 2 बच गया, तो ये हो गया, ये 95 इंटू 157 गुणा में 12/100 × 100 × 100 और गुणा में 12 है और ये 6, तो यहाँ पर क्या दोनों जाएगा, 6 बच जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, इस टंकी में जो पानी है वो कितनी ऊंचाई तक रह गया, तो पानी की ऊंचाई निकालनी है जो नीचे वाली टंकी है उसमें, तो क्या होगा, हम इसी में भाग कर देंगे, तो इसमें भाग कर देंगे किसका, देखो एल बी एच है, एच तो हमें निकालनी है, तो एच निकालने के लिए हमें एल बी का गुणा कर देना है, ये भाग कर देना है सॉरी, तो 157/100 इसी में ले रहे हैं गुणा में 144/100, तो यहाँ पर क्या है, इन 200 से ये 200 कट गए, और 157 से 157 भी कट गया, और ये 12 से 12 × 12 = 144 और ये 6 से दो बार कट गया, तो कितना बच गया, 95/100 गुणा में 2 से ये 2 × 8 और 2 × 2 = 14.5 और 100, ये है मीटर क्यूब, और यदि हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये 47.5 सेंटीमीटर आ जाएगा।
हमने इसकी तुलना भी करनी है, अनुपात निकालेंगे, तो उस अनुपात को हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, जो भूमिगत टंकी है उसका आयतन क्या है, LBH बटे में पाई आर स्क्वेयर एच। तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये है 314 बटे में 100, सॉरी ऊपर वाली है LBH, यानी ये 157 बटे में 100 गुणा में 144 बटे में 100 गुणा में 95 बटे में 100। अब पाई आर स्क्वेयर एच से हमें इसको भाग करना है, तो पाई आर स्क्वेयर एच की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये है, पाई यानी 314 बटे में 100, आर यानी 6 बटे में 10 गुणा में 6 बटे में 10 गुणा में एच 95 बटे 100। तो 95 बटे 100 से 95 बटे 100 कट गया, और इस 100 से ये कट गया, और इन दोनों 100 से ये दो भी कट गया, और 157 से ये दो बार कट गया, और ये 6 से ये 6 दूनी 12, और 6 दूनी 12 दो बच गए, 6 चौक 24, और इससे ये फिर ये 6 चौक 24, और इससे ये फिर ये दो बार, यानी 2:1। तो क्या है, 2:1 है, यानी जो घनावाकार टंकी है उसका आयतन बेलनाकार टंकी के आयतन से दोगुना है। तो इस प्रकार हमने 2 एग्जाम्पल कर लिए, आगे जो शेष एग्जाम्पल हैं उनके साथ हम कल यानी अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।